दोस्तों इस चौसा को खा के मेरी जुकड़ी में उमाव आ गया है। आज वो लहसुन खाया ना मोदी के साथ, कल वो टांगा ना यहाँ पे, एक साइड में मोदी जी का है बोर्ड में, एक साइड में मेरा फोटो। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। सो फिर से स्वागत है आपका इस नए दिन के नए ब्लॉग में। और देहरादून की करणपुर साइड से, और अभी मॉर्निंग में वही सीन है। अरे कहना क्या चाहते हो? हल्की हल्की पूरी धुंध लगी हुई है और ये बाकी मौसम पूरा पैक हो रखा है, पूरी बारिश होने की संभावना है। और सबसे पहले मैं आपको आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कल की वीडियो में बहुत ही सपोर्ट किया। बस यही चाहता हूँ मैं आपसे कि आप वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, जो कि आपने कल के व्लॉग में किया। और उससे हमें कुल मिला के एक अच्छा मोटिवेट मिलता है, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट दे के वीडियो बनाने का मन करता है। और अगर काश अगर आप जो कोई अगर वीडियो पर आके वीडियो को लाइक करके और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है तो प्लीज़ उनसे भी आशा है कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैंने कम्युनिटी में कल भेजा था कि 27% लोगों ने वीडियो देखते हैं पर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ उनसे भी आशा है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। सो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों मॉर्निंग में यह है करणपुर का प्यारा सा नज़ारा, और पूरे आसमान पे बादल हैं, धुंध लगी हुई है और बारिश हो सकती है थोड़ी देर में, क्योंकि करणपुर में अचानक बारिश हो जाती है, पता ही नहीं चलता। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है। सो दोस्तों फाइनली अभी हम तैयार हो चुके हैं और निकल रहे हैं कोचिंग के लिए। सो अब सीधे मिलता आपको कोचिंग से आने के बाद, और आगे का ब्लॉग कोचिंग के आने के बाद ही स्टार्ट होगा। सो दोस्तों फाइनली अभी कोचिंग से आ चुके हैं, और सुशील भाई की तबीयत ख़राब हो रही है आज, ज़रा बुखार वगैरह आ रखे तो ज़रा कमरे में चाय पानी पिलाते हैं और स्वस्थ करते हैं भाई को। क्या हो गया आपको? बुखार और खांसी। अच्छा दवाई लाए? स्कूल छात्र हैं भाई। क्या ला रहे हो? लीची वाला ठंडा वाला। सो दोस्तों अभी हम रूम पे आ चुके हैं और खाना खुना बन चुका है। और आज खाने बनाया बहुत ही फेमस चीज गढ़वाल की चौसा। तो जरा आपसे एक भाई बताएगा चौसे के बारे में। चौसा जो दिल में कुल मिला के क्वाद ला देता है। बात क्या कि चौसा ऐसी चीज़ है कि हम लोग एक महीने तक भी खाएं तभी हमारा दिल में एकदम बढ़ता नहीं है। पहाड़ियों का स्वादिष्ट भोजन है, बहुत ही जल्दी बन जाता है चौसा। और काले भट्टों का बनता है और बहुत ही टेस्टी। क्या ही बताएं, अगर कुछ उसके लिए अगर आप खाओगे तो आप एकदम फैन हो जाओगे, इस चीज़ का फैन हो जाओगे। बहुत ही टेस्टी। तो थोड़ा बताते हैं आपको चौसा, चाक के बताएंगे। तो यह कढ़ाई पे चौसा एकदम फर्स्ट क्लास चौसा हो गया, बटवानी हो गया, इसको हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं। और बाकी भात बन चुका है और ये चौसा बन रखा है। और सलाद में है प्याज हो गया और हरी मिर्च थोड़ा। सो दोस्तों ये हमारा छोटा सा किचन, और किचन पे पूरा सिलाब आ चुका है। क्या ही बताएं, देहरादून में है और ये पूरा सीलन है। और आज चौसा बन रखा है, तो कुल मिला के देहरादून में चौसा बन रखा है, मतलब हर उनकी प्राप्ति हो रही है और बहुत ही टेस्टी बन रखा है। तो अभी खा के बताते हैं आपको चौसा। तो आप बने रहें ब्लॉग में। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा। तो दोस्तों इस चौसा को खा के मेरी जुकड़ी में उमाव आ गया है। समझ रहे हो ना? वादी मैं अपने को बहुत आनंदित समझ रहा हूँ इस टाइम। तो आप भी खाइए। ठीक है। सो जरा हम भी चख के बताते हैं। वाह लाजवाब, बहुत ही टेस्टी बना है और होता ही बहुत ही टेस्टी है। तो ज़रा इसका आनंद लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सो दोस्तों अभी मैं आया हूँ छत पे, और जस्ट अभी बारिश थमी हुई है क्योंकि अभी तक बहुत ही खतरनाक बारिश आ रही थी। आपने आगे देख लिया होगा ब्लॉग में। और हर जगह गीला गीला हो रखा है क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आई। और ये आप देख सकते हो पूरा करणपुर भीग चुका है आज की बारिश में। हम क्यों रहे हैं 6:30 और हम जा रहे हैं घूमने के लिए साथ में अभिषेक भाई। और आज हम जाने वाले हैं डीएवी कॉलेज। सो आपको दिखाते हैं डीएवी कॉलेज। और शायद एडमिशन भी स्टार्ट होने वाले हैं BSc MSc वालों के, तो पता करेंगे वहाँ जाके। तो आप बने रहें ब्लॉग में। और देहरादून का फेमस कॉलेज है डीएवी कॉलेज। सो नेगी रोड से हम जा रहे हैं। सो ये है नेगी रोड का नज़ारा। यहाँ से हमें लेफ़्ट मुड़ना है और फिर देखते हैं कौन कौन सी गलियाँ देखने को मिलती हैं। तो आप बने रहें ब्लॉग में। सो दोस्तों, अभी गूगल मैप के सारे और भाई लोगों से पूछ के हम गुमला के डीएवी कॉलेज पहुंचने वाले हैं, क्योंकि मेन रास्ते से नहीं आए, हम दूसरे रास्ते से आए। तो थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर कोई दिक्कत नहीं, पहुंचने वाले हैं। सो दोस्तों, बस जस्ट आगे है हमारा डीएवी कॉलेज। अभी अंधेरा हो चुका है, पर फिर भी जितना हो पाएगा उतना आपको दिखाएंगे। सो दोस्तों, अभी हम डीएवी कॉलेज में पहुंच चुके हैं, पर क्या करें, अंधेरा हो गया आते आते। बाकी ये डीएवी कॉलेज का ग्राउंड है और ये पूरा कार्यालय हो गया, पूरे डिपार्टमेंट। सो कभी कुल मिला के दिन में आएंगे, कुल मिला मॉर्निंग के टाइम पे या आफ्टरनून के टाइम पे, तो आपको अच्छे से दिखाएंगे। प्लीज़ आप नाराज़ मत होना, क्योंकि लेट कुल मिला के रूम से लेट पे आए और फिर यहाँ भी लेट हो गई। और अचानक से बारिश आ गई है, सो हमें जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि छाता भी नहीं ले रखा है हमने। और बाकी ये सारे डिपार्टमेंट है, तो आपको मैंने कहा कि मॉर्निंग या आफ्टरनून के टाइम आएंगे कभी और अच्छे से कॉलेज के रिव्यू करेंगे। और बाकी ये अंग्रेजी विभाग हो गया, अर्थशास्त्र, ये सारे डिपार्टमेंट है। और ये है कॉलेज, और ये सामने कॉलेज का ग्राउंड। सबसे टॉप में मैं ही हूँ अभी। आज वो लाइसेंस आया है ना मोदी के साथ, कल वो टांगूंगा ना वहाँ पे। एक साइड में मोदी जी का है बोर्ड में, एक साइड में मेरा फोटो। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। लाइसेंस है ना पूरा, इतना बड़ा दिया जी। तो आया फोन मारने का भी, ठीक ठीक ठीक, मतलब फेमस हो जाते हैं। दुकान मिलेगा, दुकान मिलेगी, मेरा जो है दुकान मिलेंगे पक्का। ठीक है ठीक है ठीक है, टेस्टी है टेस्टी, ठीक है। इनके घर बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी। और डीएवी यहाँ पे सामने पे बहुत ही फेमस मोमो वाले, अगर आप कभी आएंगे तो प्लीज़ ज़रूर खाएं। और बाकी यहाँ पे भाई डेली ग्राहक हैं, मनोज भाई बर्थडे मनाते हैं। भाई का नाम है मनोज। 30 साल हो गए भाई को, 30 साल हो गए यहाँ पे कुमला के यहाँ पे। और बहुत ही टेस्टी बना रखे हैं, हमने खा के देखा भी। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने मेन मार्केट करणपुर में, और यहाँ पे थोड़ा सब्जी सुब्जी लाते हैं और फिर निकलते हैं रूट पे। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं रूम पे, और हल्की हल्की बारिश आई थी तो थोड़ा भीग गए थे। सो आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।